सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ ने सशरीर उपस्थित कोर्ट चालू करने की मांग को लेकर शनिवार को अधिवक्ता संघ भवन में बैठक किया। बैठक में सशरीर उपस्थित कोर्ट चालू कराने की मांग को लेकर कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। स्टेट जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य सह धनबाद जिला अधिवक्ता संघ चेयरमैन राधे श्याम गोस्वामी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी फैलने से रोकने के लिए हम लोगों ने एक दूसरे के सहयोग से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कोर्ट का कार्य शुरू किया जाए। गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ सचिव चुन्नू कांत ने कहा कि कोर्ट का कार्य संबंधित परेशानी आम लोगों को भी हुआ है, चाहे वह कोर्ट में पेशी हो, हाजिरी देना हो, गवाही कराना हो या केस का नकल निकालना हो इत्यादि कई समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ा। कोर्ट पूर्व की तरह सशरीर उपस्थित होकर चलाने की मांग सरकार से की। इस बैठक में संजय विद्रोही, पवन खत्री, परमेश्वर मंडल, मीरा कुमारी, दशरथ प्रसाद, राजीव सिन्हा, शिवेंद्र सिन्हा, ज्योति सहित कई लोग उपस्थित थे। गिरिडीह से चंदन पांडे की रिपोर्ट। फिजिकल कोर्ट चालू होना चाहिए क्योंकि वर्चुअल कोर्ट में कई सारी तकनीकी प्रॉब्लम है जिसके वजह से लोगों को दिक्कत हो रहा है। आज इसी पर चर्चा हुई है और ये तय हुआ है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट को आवेदन दिया जाएगा, उनके संज्ञान में लाया जाएगा कि फिजिकल कोर्ट जितना जल्दी हो सके चालू करें और हम आपके माध्यम से भी सरकार से और माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन करना चाहेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके फिजिकल कोर्ट चालू करें।